जिला अस्पताल में आप आए हैं दिखाने के लिए? हाँ, बदल में खुद बारे में दिखाने आए थे, डॉक्टर साहब देखे दवाई लिखे हुए हैं। अच्छा, मौसम की चेंजिंग की वजह से सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है? नहीं, सर्दी जुकाम तो नहीं हुआ है, मगर बदन में खुजली वाला बीमारी चल रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो क्या कहा? डॉक्टर दवाई लिखे हैं, अब दवाई ले रहे हैं, खा रहे हैं। आजकल जो मौसम जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो स्किन के मरीजों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, और उसमें प्रमुख रूप से धूप से होने वाली एलर्जी के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मौसम के परिवर्तन की वजह से एलर्जी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें सांस की एलर्जी और चमड़े की एलर्जी दोनों बहुत कॉमन है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और पसीना होने लगेगा तो फंगल इन्फेक्शन के भी मरीज आने लगेंगे। अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा उसके भी मरीज़ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा अभी और तेज़ गर्मी पड़ेगी तभी कुछ और सनबर्न के मरीज आएंगे। अभी तो बीच का मौसम है, सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम है, तो अभी गर्मी के सारी गर्मी के मरीजों या गर्मी के रोग अभी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली बुखार तो फिजिशियन से संबंधित है, लेकिन कोई भी मौसम का परिवर्तन शरीर पर प्रभाव डालता है, चाहे वो शरीर का बाहरी हिस्सा हो चाहे शरीर का अंदरूनी हिस्सा हो। जब अंदरूनी हिस्से में परिवर्तन शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता तो बुखार, सर्दी, इस सब संभावना बढ़ जाती है।